मुबारक। अरे बड़ा दिल रहा हमारा। अच्छा इधर थोड़ा। अरे फोन सदर दिए हटो भाई दवाई तो हटो आचो आचो अंदर इस काम के लिए हमारे MLA साहब, हमारे जिले कलेक्टर साहब ने और हमारे जितने भी कायदीन हैं, हमारे काउंसलर साहब ने जो भी है अल्लाह इसमें खिदमत अंजाम दी है अल्लाह इसको बेइंतहा कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत दीजिए। ऐ अल्लाह इस रियासत के अंदर अमन कायम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को ऐ अल्लाह उम्र में सेहत में बरकत दीजिए। ऐ अल्लाह हम तमाम की उम्र में सेहत में बरकत दीजिए। ऐ अल्लाह जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं अल्लाह उस पर खैर व बरकत नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह जो बाकी है अल्लाह इसको आफियत के साथ खैर के साथ अल्लाह काम करने की तौफीक दे दीजिए। ऐ अल्लाह इस दुआ को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमाइए। सुभानक रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लामपुरा को मुबारकबाद पेश करता हूं और यहां पर जो भी तरक्याती काम हुए हैं उसके लिए अदा करते हैं और जो काम बाकी रह गए हैं इसके लिए भी हम ख्वाहिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसको पूरा फरमाएं। और हमारे MLA साहब जाते हैं जो हर तरफ से हर क्याती कायद हैं हमारे, आज हर तरफ हर तबके के लिए ना सिर्फ हमारे MLA साहब बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और RDO मैडम हमारे और यूनुस नदीम साहब और महले के जो ना सिर्फ ये बस्ती दवाखाना खास तौर पे और मैं ये जो मौका दिया गया मेरे को मैं शुक्रिया अदा करते हूँ। यहाँ पर हमारे MLA साहब और हमारे जिले कलेक्टर साहब की काविशों से आज यहाँ पर बस्ती दवाखाना कायम हुआ है जिसके लिए मैं जनाब रजीउद्दीन साहब वार्ड काउंसिलर को और तमाम मोहल्ला ने इस्लामपुरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर जो भी
तरक्याती काम हुए हैं उसके लिए भी हम एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा भी दूसरे वार्ड में भी जो भी गलतिया और जो भी यहाँ पर दीगर वार्डों के अंदर भी जो तरक्याती काम हुए हैं इसके लिए भी हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और जो काम बाकी रह गए हैं इसके लिए भी हम ख्वाहिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसको पूरा फरमाएं और हमारे एमएलए साहब जो डायनामिक कहलाए जाते हैं जो हर तरफ से हर क्या की फायदे हैं हमारे आज हर तरफ हर तबके के लिए न सिर्फ हमारे एमएलए साहब बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव साहब भी हर तबके के लिए बराबर कोशिश कर रहे हैं उनकी तरक्की के लिए मैं वाइस एमएलए साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो शहर नशीब आए जो तरक्याती काम के लिए कोशिश कर रहे हैं हमारे काउंसलर साहब और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और आरडीओ मैडम हमारे बैंक कलेक्टर साहब और चेयरमैन मैडम और रजियुद्दीन काउंसलर हमारे सदर साहब बारी साहब और फिरोज नदीम साहब और महले के जो बुजुर्ग और बड़े लोग जितने भी हैं और जिसका नाम मैं नहीं लिया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और एमएलए साहब का खास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं क्योंकि जो हमारे महले में बस्ती दवाखाना लेके आया बहुत खुशी की बात है और बहुत ये बस्ती दवाखाना सिर्फ ये बस्ती दवाखाना है ना हमारे पूरे हर एक चाहे बुजुर्ग होंगे नौजवान होंगे बच्चे होंगे हर एक को काम आएगा इंशाल्लाह और इसमें साहब बस्ती दवाखाने में पूरा जो स्टाफ है ना वो पूरा टोटल खासतौर पे स्टाफ पूरा रहने की रहसा देखे साहब खासतौर पे और मैं ये जो मौका दिया गया मेरे को मैं शुक्रिया अदा करते हूँ हमारे एमएलए साहब का शुक्रगुजार हूँ और पूरे महले की आवाम की तरफ से और हमारी तरफ से और हमारी इमाम पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप हमारे एक दो बार कहने पे ही महले की तरफ तवज्जो कर गए इसको जो बस्ती हॉस्पिटल जो 15 साल से जो परेशान थी आवाम उसके लिए एक मसला हल कर दिया आज ऐसा दिख रहा कि कोई यहाँ पर ईद का जश्न मना रहे मैं एमएलए साहब का हकीकत में शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इसके बीच में जब ये हॉस्पिटल की बात शुरू हुई थी इसमें बीच में बहुत सारी चीजें आए हुए थे जिससे हम लोगों को तकलीफ हो रही थी कि फिर कई हॉस्पिटल पहले की जैसे ही वापस नहीं चले जा रहा तो हम ना एमआईएम पूरी टीम लेके जब एमएलए साहब के पास गए थे तो वो एक ही सवाल करे आवाम के लिए क्या अच्छा है और तुम क्या बोल रहे हो ये वही बातों में जब तक जब मसला हल करके जहाँ पर आप बोल रहे वही हॉस्पिटल आता आवाम की सहूलत के वास्ते वही करेंगे अपना जो सही रहता और रही बात हमारे चेयरपर्सन मैडम जब भी मसले हमारे रोडों के मोहरियों के आते फौरी उन्होंने एक्शन लेके उसके ऊपर हर वक्त को मैं तो बोलूँ पूरी माइनॉरिटी में हो या गैरों के दूसरों के भी कामों में होंगे सबसे ज्यादा वर्क तो आज नाराज है सो मेरे 27 मार्ग మీడియా శ్రోతలకు కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తుంటూ ముందుగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఎన్నో ఇళ్ళకాల మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని రంగాల్లో వ్యవసాయ రంగం కానివ్వండి ఇటు విద్య కానివ్వండి వైద్య కానీ వైద్యం కానివ్వండి పరిశ్రమలు కానివ్వండి అన్ని రంగాల్లో కూడా నూతన సంస్కరణలకు తెరవేస్తూ ఉన్నారు మరి మన జగిత్యాల పట్టణాన్ని చూస్తున్నటువంటి అయితే గౌరవ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయన గారి కృషి ఎందుకంటే వారు ప్రముఖ వైద్యులు నుంచి కూడా మరి వారి కృషి వలన మన జగిత్యాల పట్టణం ఈ రోజున మెడికల్ హబ్ గా తయారైంది మరి ముందు ముందుగా అంటే అన్ని జిల్లాలకు ముందు ముందుగా ఉత్తరేపు ప్రణాళిక జిల్లాల కంటే ముందు ముందుగా మనకు మెడికల్ కాలేజ్ అని పర్మిషన్ దక్కింది మరి వారి దూరదృష్టికి వారు పట్టగలిగి నిదర్శనం ఇది మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు చూసుకున్నటువంటి డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఉంది దాని పక్కనే వైరాలజీ ల్యాబ్ ఉంది రేడియాలజీ ల్యాబ్ ఉంది నర్సింగ్ కాలేజ్ ఉంది ఇదంతా కలిపి కూడా ఒక మెడికల్ హబ్ లాగా కూడా తయారై మన జగిత్యాల పట్టణంలో ఉన్నటువంటి 125,000 పై జనాభానే కాదు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జనాభా కూడా అంటే అటు సైడ్ చూసుకుంటే కొత్తపల్లి అటు నుంచి కూడా అయితే పేషెంట్స్ వస్తున్నారు గతంలో అయితే మదిలేంచాలంటే మనకు ఇక్కడ డెలివరీలో దాదాపుగా 100-200 అయితే ఎక్కువ ఇప్పుడు నెలకు 500 వరకు కూడా అయ్యే స్టేజ్కి వచ్చింది మరి ఇంకా పిల్లలకు వైద్య పరిస్థితి ఉండే డ్రైనేజ్ కూడా లేక పిల్లలు ఆ డ్రైనేజ్ పై నుంచి దాటుతుండే మామూలుగా అక్కడ కింద పడిపోయిన పరిస్థితి ఆ డ్రైనేజ్ లో పడిపోయిన పరిస్థితి ఉండే ఇమీడియట్ గా డ్రైనేజ్ పెట్టించాము చేపించాము కానీ ఇప్పుడు ఏంటని చూస్తూ ఉంటే చాలా అందంగా అద్భుతంగా కనిపిస్తూ ఉంది మరి సందర్భంగా నేను మీ అందరి పక్షాన కూడా జగిత్యాల ప్రజలందరి పక్షాన కూడా గౌరవ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ అన్న గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను
परेशान परेशान दवाखानों में सही पैसे खर्च
मैं एक डॉक्टर और इंजीनियर भी हूँ। आप सब तो ज्यादा में कभी कभी गए तो बच्चे मिलते, मेरा नाम क्या है बोलते कभी पूछता हूँ, संजय कुमार। मैं क्या करता हूँ बोलते ज्यादा डॉक्टर बोलते कमजोर बोल रहे बहुत उड़ता है, 1 लाख से ज्यादा उड़ता है, 67% मैं डॉक्टर बोल। मैं एक इस टाइम पे जो शरीर जरूरत है वो बात रूप 1,60,000 पेशेंट रहते अपने 2 लाख से थोड़ा ज्यादा रहना। अरे कमरे कमरे परेशान ना करें, शरीर परेशान मैं बोल रहा हूँ। उसका थोड़ा अलग सिम्टम्स रहता है, ऊपर थोड़ा फूट के चिपके हुए से आना, फूट जाना सर 30-40 हजार तक आया था, जो उतना परेशान होने का जरूर ले रहे था। अपन 150-1,80,000 आया तो परेशान परेशान होते, वैसा परेशान होने का कोई जरूरी नहीं है, अननेसेसरी अपन परेशान नहीं होना। आप अगर मैं बोल रहा हूँ कोई आपको तकलीफ ज्यादा है वो तो पैसे है वैसे वाले कहा तो भी ज्यादा, मैं उसके बारे में मैं बात ही इसलिए कर रहा हूँ यार। गरीब लोग अच्छा सुन के मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ और एक मशवरा भी देता हूँ, कभी भी आप बीमार हो तो अपने सरकार दवाखाना इस्तेमाल करिए। ओके महाराज जी ये ढंग से बोल रहा हूँ, जो हम सबको रिक्वेस्ट करो ये दो सेंटर, ये आर्मोनियम सेंटर एक यहाँ का और टीआर नगर का भी दूसरा मलयाल का आते आते वक्त टीआर नगर के लिए वहां लेके आ सकते, तो गरीब लोगों के लिए ये ब्लड टेस्ट भी फ्री हो जाता। और एक खुशी के बाद बोल रहा हूँ, अब तक कभी सोचे भी नहीं चाहूंगा सीटी स्कैन सरकार दवाखाना आते होंगे कोई सोचे क्या, 2,15,00,000 रुपए से सीटी स्कैन भी मंजूर करे इसके भी पूरा दवाखाना में तैयारियां चल रहे बोर्ड बस स्टैंड और एक्सरे अल्ट्रासाउंड वो अलग डालने के लिए रेडियोलॉजी को जरूर क्या मस्जिद करने आ रहे। मैं खाली यही बातों पर आप सबको थोड़ा रिलेटेड कर रहा हूँ, आप भी मालूम होना गरीब लोग इस्तेमाल कर लेना बोल के सब बोल रहे, ऐसा पूरे काम तेलंगाना रियासत में ही हो रहे, केसीआर साहब के हुकूमत में ही सब चल रहे, आप सबके मोहब्बत से ये सरकार चल रहे। और आज ये गरीबों के लिए ये दवाखाना यहाँ शुरू करें, आप सबको फिर एक बार मुबारकबाद बोलते हुए इतना कीमती वक्त लेके अपने पूरे जिले के ऑफिसर्स पूरे कलेक्टर साहब ये पूरे लोग यहाँ आए, सबको आपके सबके तरफ से भी हमारे डॉक्टरों को शुक्रिया अदा करते हुए फुर्सत देता हूँ, शुक्रिया।